So we reached Dehradun and we took auto from bus stand to reach railway station. And this is Prince Chowk where we'll be having pickup and traveler. It is about 500 meters from railway station, so we can walk here. And it is a right now it is 6 a.m. so we'll be having pickup 6:30 or 7 a.m. so we'll wait. ये हमारा ट्रैवलर आ गया. यहाँ से अब सांकरी जाएंगे और समवेयर अराउंड 8 to 10 आवर्स लगेंगे उसमें. बैग कहाँ रखने हैं? कितने बैग हैं? तीन. छत पे पाला पड़ी है ना, डर लग रहा चढ़ने में. अच्छा. इसीलिए एक ही बार चढ़ा बस. हाय. हेलो. हेलो. कहाँ से आप लोग? दिल्ली. दिल्ली नहीं हो. कैसे हुआ After 1 hour of drive, this is our first breakfast point, and the view is चलते हैं एक बार अंदर. ये वॉशरूम फैसिलिटी है यहाँ पे. एरिया तो काफी अच्छा है. अभी लंच ब्रेक के लिए रुके हैं. अब अराउंड 1 o'clock हो रहा है और ये पूर्णा विलेज है. यहाँ पे पार्किंग में लगाई है ट्रैवलर. अभी इस पुल से एक मार्केट है आगे, वहाँ जाके लंच का देखेंगे कुछ. यहाँ से अभी हमें 3 hours और लगेंगे सांकरी पहुँचने में. चलो चलते हैं मार्केट. ये पुरोला विलेज का मार्केट है. मेरी स्लीपर भी टूट गई है. खालिद है पर ट्रैवलर की तरफ वापस जा रहे हैं. सो वी बॉट वन स्लीपर, न्यू स्लीपर एंड बनाना. यहाँ पे फॉरेस्ट की एंट्री हो रही है. जितने भी ट्रैकर्स जाते हैं उनके यहाँ पे एंट्री, और ये मेन एंट्री गेट है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का. देख रहे हो क्या डिस्कशन चल रहा है? स्नो से धोने का डिस्कशन चल रहा है. भैया पता नहीं मैं कैसे पहचान लेता हूँ, लेकिन कुत्ता कुत्ती का भेद पता है मुझे. ये मेरा कुत्ता है भाई. कुत्ती भाई, कुत्ती है ना बे. कुत्ती है भाई. अभी 5 बज रहे हैं और हम सांकरी पहुंच गए. अनलोडिंग चल रही है और फिर यहाँ से हम इस रूट से ऊपर अपने होम स्टे में जाएंगे. तो जाते हुए फिर मैं इसको कवर कर दूंगा. ये डिस्कशन चल रहा है. ट्रैवलर से उतर के ऊपर जहाँ हमारा सांकरी में होम स्टे है वहाँ पे जा रहे हैं. Thank you.
क्या तुम बोले केदारकांत है? क्या केदारकांत है? ट्रैक करने आए हैं आपके लिए? क्या है केदारकांत? केदारकांत ऊपर हमारे लिए तो ट्रैकिंग है, स्नो है, ओ ती ठंड कर व्यू है, हवा हवा ठंडी हवा, तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गर्मी से ठंड लेने आए रहो वहीं जट आनो जट जट ओटा। अच्छा ये सांकरी विलेज में स्टे फैसिलिटी है, नीचे ये टेंट में है कैंप स्विस कैंप्स एंड ऊपर होम स्टे, यहाँ पे स्विस कैंप्स। डिनर टाइम हो गया तो अब डिनर के लिए जाते हैं। डिनर में पनीर है, रोटी बन कर दो गरम रखने के लिए, अभी क्लास में रखा ताकि आप लोग चावल। अबे यार खा लो ना, मैं भी बना लूँ। क्या आप केले खाओगे? नहीं नहीं अभी किचन में साफ। अच्छा किचन साफ वगैरह के साथ ठीक है। चपाती रिकॉर्ड करता बोलता है, अबे मत कर बोल उसको, हाँ बोलना चुपचाप रात्रि वो बोल। इसमें क्या है? कस्टर्ड जगह नहीं है। अरे बहुत जगह है। सुबह मिलते नहीं खालिद है पर दिलचस्प भी, सुबह पूछे रात शाम में क्या हंसी, शाम में पूछे रात सुबह क्या नहीं, जाकिर करे वो जाहिर नहीं। Yes, yes. स्लो मो भी ले सकते दोस्त। टुडे इज डे टू मॉर्निंग एंड लेमन टी नाइस। क्या है ब्रेकफास्ट में? आलू के पराठे में है, आलू के पराठे, आलू चाय पराठे, आमलेट, चाय, एग भुर्जी, नाश्ता सबका हो गया? बढ़िया भैया, वेरी गुड। कैसा था नाश्ता? बहुत बढ़िया, बढ़िया था भैया। चलो अभी आप लोग कहाँ थे, कुछ फाइनल मतलब आपको पता है कहाँ रुके थे आप लोग? आप सांकरी में रुके थे और यहाँ बेसिकली आपको थोड़ा ठंड का ठंड उतनी नहीं रही होगी कि जितनी होनी थी, ठीक है? ओके आप अभी कहाँ के? जूड़ा के लिए निकल रहे हो तो जूड़ा में ठंड रहेगी, वहाँ हमारे पास डोम टेंट होंगे, अल्पाइन टेंट होंगे और मिस्टर ये देशराज जी गाइड रहेंगे आपके साथ। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, आपके पास क्या क्या चीज़ें रहनी चाहिए थी जो बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले आपके पास शूज़ होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? शूज़ सबके पास है, ओके? स्टिक सबके पास है, ओके? ग्लव्स जी भैया है, सॉक्स के कम से कम तीन लेयर होनी बहुत ज़रूरी है, है सबके पास है, गॉगल सबके पास होनी चाहिए, बैकपैक आपने कर लिया ना बढ़िया से जी भैया, रेनकोट पॉन्चो हाँ भाई, हेडलाइन जी भैया। सो वी आर स्टार्टिंग दिस केदारकंठा ट्रैक एंड टुडे वी विल गो टू जूड़ा का तालाब। सो आई लेड अप ओनली वन टी शर्ट एंड कॉटन टी शर्ट एंड वन कॉटन लोअर एंड ट्रैकिंग शूज एंड गॉगल। सो टुडे इज द सनी डे एंड इट इज अक्टूबर एंड सो नॉट दैट मच लेयर इज रिक्वायर्ड, बट एज द टेम्परेचर चेंजेस आई लेयर अप। आई ऑल्सो कैप्ट माई पैडेड जैकेट विद माई and the rucksack bag, so we'll discuss what we need to keep
for the track in the later videos. We have started this track in my backside. That was our homestay, and this is the starting trail. This one. ये गाइड करना सामने कौन कौन से पीक हैं? राइट से शुरू करते हैं, राइट से सीधे हाथ से। अच्छा, स्वर्ग अलुइनी है। हाँ ठीक है, फर्स्ट। हाँ सेकंड ब्लैक पीक है। हाँ ठीक है, तीसरा बंदर पूंछ है। ठीक है, जो चार चार खंड दिख रही है आगे। हाँ चार सिंह उत्तराखंड, चार सिंह उत्तराखंड जी। ठीक है, अभी काफ़ी लोगों ने लेयर ऑफ की हैं, मीन्स जब वो स्टार्ट किया था तो उन्हें लगा था काफ़ी ज़्यादा ठंड है, बट चलते चलते स्वेटिंग होती है, तो सबसे पहले एक थिन लेयर से स्टार्ट करना है, फिर आपकी बॉडी टेम्परेचर के हिसाब से जैसा आपको फील होता है लेयर अप करनी है। तो सबसे पहले या तो ड्राई फिट टी शर्ट या फिर कॉटन टी शर्ट, जैसे जैसे आपको लगता है कि मुझे लेयर अप करनी है, और एक पैडेड जैकेट हैंडी रखें ताकि उसको जल्दी से कवर अप कर लें, कहीं पर रेस्ट करते हैं तो कवर कर लें। अभी करीब 200 मीटर कवर किया है और फ़ोन नेटवर्क पूरे हैं जियो के, वोडाफोन और एयरटेल के नेटवर्क यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सांकरी में भी पार्शियल नेटवर्क है, बट जियो के पूरे नेटवर्क हैं, दिल्ली से लेके सांकरी विलेज तक आते हैं तब तक पूरे नेटवर्क आएंगे जियो के। तो प्रेफरेबली अगर आप आ रहे हैं तो एक जियो की सिम कैरी करें। वन एंड हाफ किलोमीटर कवर कर लिया, और ये यहाँ पे एक ढाबा भी है, मेरा ढाबा रेस्ट पॉइंट, और इफ यू वांटेड टू हैव समथिंग, बट अभी कंस्ट्रक्शन मोड में है, मे बी पीक सीजन में ये कवर हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्शन ही हो रहा है। कब तक चालू होगा भैया ये? ये 1 तारीख, 1 नवंबर से। हाँ। इसका व्यू देखता हूँ, इस ढाबे से एक छोटा सा ऊपर भी है, और यहाँ से ढाबे से व्यू, ये आगे जाके हर की दून का पूरा ट्रेल है जो स्नो कवर दिख रहा है। जो लास्ट ढाबा था उससे 50 मीटर ऊपर एक और ढाबा है जहाँ पे हमने बैग ऑफ लोड कर दिया रेस्ट के लिए। 1.5 किलोमीटर पे एक वाटर स्ट्रीम है, रनिंग वाटर है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से थोड़ा ऊपर से आप अपनी वाटर बॉटल फिल कर सकते हो, अगर फिल्टर वाटर बॉटल कैरी कर रहे हो तो वो और भी ज़्यादा अच्छा है। और ये इसका फ्रंट व्यू जो सेम है, टॉप पे आपको स्नो दिख रही है। I just experienced Jio के network. मैंने अभी 2.5 किलोमीटर कवर कर लिया, बट नेटवर्क अभी भी आ रहे हैं, इवन इसका
नेट भी आ रहा है, तो नेटवर्क मतलब कॉल और इंटरनेट दोनों सर्विसेज 2.5 किलोमीटर तक अवेलेबल है अभी। सो हे व्हाट्सअप यू गाइज, दिस इज़ योर बॉय शशांक और मैं नागपुर महाराष्ट्र से हूँ और मैं आया हूँ केदारकंठा ट्रैक पे। तो ये ट्रैक वैसे मॉडरेट डिफिकल्टी का है, जिसको भी आना है फर्स्ट ट्रैक पे वो आ सकता है। अभी हम लोग जूड़ा के तालाब के पास जा रहे हैं जो कि यहाँ से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं व्यू, ये काफ़ी अच्छा व्यू है। हे गाइज, दिस इज़ समीर फ्रॉम महाराष्ट्र और ये मेरा फर्स्ट ट्रैक है। मैं ये सफ़र ट्रैक यारी के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। 2.5 किलोमीटर पे एक ये वुडन शैक है, ये हमारा सेकंड रेस्ट पॉइंट है। यहाँ से मैंने ये अमूल कूल बादाम फ्लेवर मिल्क लिया है, किसी ने कुरकुरे लिए हैं, किसी ने फ्रूटी लिए, अवेलेबल है। ये विजय पाल जी बांसुरी वाले बाबा, इनका इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब पे चैनल है, तो इनकी रिक्वेस्ट पे आप क्या लाइक सब्सक्राइब कमेंट और कमेंट। करीब 3 किलोमीटर का ट्रेल कवर करने के बाद मेरे बैग में था जो मैं कवर करके आया हूँ वो रॉकी ट्रेल था, और अभी छोटा सा ये मिडो सेक्शन आया है, दिस वन विद डेंस फॉरेस्ट सराउंडिंग। जा रहे हमारे अदर ट्रैकर्स, मेरे पीछे ये हमारी फर्स्ट कैंपिंग है, जस्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर। ये वाटर स्ट्रीम है यहाँ पे, जा रही है, और ये कैंपिंग है। सर बिल्कुल बहुत टाइम लगा दिया, क्या बात, आराम से आ रहे थे, बहुत आराम से मजे करते हुए। ये हमारा किचन टेंट है, डे टू लंच टाइम। मेरे ट्रैकर्स भाइयों बताओ क्या क्या अवेलेबल है। दाल चावल, दाल एक नंबर है, पापड़ सबसे बेस्ट है, प्लेट बहुत और इतना ट्रैक करके आने के बाद ककड़ी का तो अलग ही मजा है। चलो भाई भाई, वो ककड़ी नहीं खीरा है, नहीं वो उसको दोनों चाहिए। अरे यार दाल दे रहा भाई, लौकी दे दूंगे, वो भी चल जाएगा। दाल चावल, कड़ी है ये, कड़ी है ये, कड़ी है, दाल नहीं है, कड़ी है। हाँ जल्दी लो भाई, नाइस, समय मत लगाओ, मुंबई वाले बन। अचार लंच के बाद अब हम जूड़ा विजिट करने जा रहे हैं, जूड़ा का तालाब। बैग्स हमने टेंट में ही ऑफलोड कर दिए, बस फटाफट विजिट करके जो इवनिंग टी है उस टाइम तक वापस आ जाएंगे। जल्दी जाते हैं, जल्दी आते हैं। व्यू इन द इवनिंग मजेदार। डे टू इवनिंग स्नैक,
अभी अंधेरा हो गया इतना दिख नहीं रहा, बट ये टी है और ये मैक्रोनी और ये तीन बार पूछा है ये अपनी दुबई वो कहीं की है तीन बार आज के हमारे डिनर में डिनर करने के बाद हम सारे ना एक ही टेंट में घुसे हैं। ट्रिपल शेयरिंग है लेकिन सात लोग हैं इसके अंदर। भूत की स्टोरी स्टार्ट होंगी। इसमें सोते कैसे रहते थे कुछ भी नहीं समझ। अच्छा मैं बोल रहा था किसी का कोई रक्षक वगैरह होगा तो दे दो, मैं टेक लूँ। वो स्टैंड इतना मजबूत नहीं है, उस पर टेको मत। ठीक है ये गॉसिप कंटिन्यू रहेगी, मॉर्निंग में मिलते हैं। बाय बाय। अच्छा ठीक है। Today is day 3 morning and it is 7 AM and कुछ लोग यहाँ पे ब्रश एंड वॉशरूम की तैयारी कर रहे हैं। वॉशरूम के लिए ड्राई पे टेंट्स लगे हुए हैं वहाँ पे और कुछ सबमिट करके आए थे तो अभी नीचे जाने की तैयारी कर रहे हैं वापस साकरी। और सबसे पहले अभी ब्लैक टी का टाइम है, ब्लैक टी के बाद ब्रेकफास्ट होगा, उसके बाद हम जाएंगे केदारकंठा बेस कैंप। हाय माय नेम इज़ अंशुल एंड आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड इट वाज अ डिफिकल्ट बट अ मेमोरेबल वन। ब्रेकफास्ट डे 3। व्यू नहीं आ रहा है सर, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। इसमें पैनकेक है, उपमा, बिस्किट, चाय। चीयर्स चीयर्स चीयर्स। I'm leaving from the Judah Katalab camping and अभी केदारकंठा base camp जा रहे हैं। It is about 4 km from here और lunch के time तक हमें वहाँ पहुँचना चाहिए। टीम थोड़ी आगे निकल गई है, मुझे speed up करना होगा। थोड़ा सांस फूलते हैं। खालिद है पर दिलचस्प भी। जूड़ा का तालाब इन द मॉर्निंग। अरे वो वाला जो ट्री है ना, सुनो ये वाला जो ट्री है ना, इसकी टॉप नाम है सुबह मिलते नहीं। जूड़ा के तालाब पे बहुत सारी मस्ती होगी। Keep on mountain side when mules come. Save yourself. जाहिर नहीं आकिल हूँ मैं आसिम नहीं। करीब 600-700 मीटर का स्टीप ट्रेल था जूड़ा के तालाब के बाद और अभी थोड़ा नॉर्मलाइज हो गया। एज यू कैन सी आगे थोड़ा सा नॉर्मलाइज हुआ है। 700 मीटर पे एक रेस्ट पॉइंट है,
काफी अच्छा मिडो एरिया है बिटवीन द फॉरेस्ट यही तो चीज चाहिए रहे वही कंफर्टेबल ही रहेगी बहुत कंफर्टेबल जो यहाँ पे सपोर्ट देता है ना बहुत मजा लगता है। लास्ट पॉइंट के बाद 45 डिग्री का ट्रेल हो गई है। व्हाट अ व्यू आफ्टर दिस ट्रेल। हे व्हाट्स अप गाइस, दिस इज योर बॉय शशांक एंड वी आर हियर ऑन अ ट्रेल। वी आर गोइंग टू केदारकंठा बेस कैंप और बेटर व्यू है। लॉगिन टू माय डन इज सुबह मिलते नहीं। जूड़ा के तालाब से 1 किलोमीटर ऊपर नेटवर्क अवेलेबल है, सो आई वाज जस्ट चेकिंग माय मैसेजेस एंड मेड सम कॉल्स। ओ मैगी बना के खा के चल जाएंगे। बहुत बढ़िया मुकेश भाई, किधर है मुकेश भाई? पहले ही होता। क्या क्या इक्विपमेंट यूज किया है? गैस गैस। अच्छा ये आपने पूरा कैरी किया? हाँ। ना कितना कॉस्ट आया आपको ये सब? ये तो 700 का तो स्टाव। अच्छा ये पूरा सेट 4 सिलेंडर्स का तो 600। अच्छा 150 का वन होता है? कितना चल जाता है ये? अभी तो ऐसा काउंट नहीं किया। एक कैन में अभी आप फर्स्ट कैंप यूज कर रहे हो? नहीं, चिकन करी बनाया। एक चिकन करी बनाया। हां एक चिकन करी, दो टाइम्स मैगी, एक ही सिलेंडर से। अच्छा दो टाइम्स मैगी और मतलब 5-6 टाइम्स मैगी आएगा भाई। मतलब आपने ऑलमोस्ट 1 आवर का तो कुक कर लिया होगा। हां चिकन तो 1 ही घंटा लगेगा ना, बहुत टाइम लगेगा। अच्छा उससे भी मतलब एक कैन उससे भी ज्यादा चल जाता है? हां बढ़िया। 2-3 बार चिकन करी आया भाई। अभी मैं तो ऐसे ही बैठी थी लेकिन ये सुन कर मैं पानी है मिलाकर मैगी। मैं सोचता कि आप तो इड़ा गल इट। चलो आप एंजॉय करो। आप जा रहे हो? हां चलो। बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है ये पूरा सेटअप। ट्रैक आ गई, कैंप साइट आ गई केदारकंठा बेस कैंप की। एल शू की दिस इज ट्रैक आ रही। थोड़ा वर्ड के लिए मैं कमजोर हूं ना। लंच चेक कर लेते हैं, लंच में क्या अवेलेबल है? सबसे ज्यादा गिरा नहीं तो सबसे पतला। उसने क्या बोला? उठो उठो भाई फटाफट उठ जाओ, लंच आएगा यहां पे भाई। मैं जीते क्यों ही खोले। क्या क्या बनाया भैया आज? सलाद, पापड़, राइस, दाल, राजमा, कद्दू वादी वाली ये। अरे ये सैलेड ये भाई अपना ये लगा के लेके आया कर दिया जिला दीदा। हां हां सैलेड है ना। अब मैं फोटो ले सकते हो? कसम से पूरा चेक कर रहे भाई तेरे यार। नहीं नहीं भाई कहां तो भी रखी होगी। डे 3 केदारकंठा बेस कैंप। ये मेन्यू है पिकल, राजमा, पापड़, सैलेड और राइस। डे 3 इवनिंग स्नैक मैगी एंड टी। इवनिंग स्नैक्स के बाद अभी यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है सबका। पोर्ट्रेट और नॉर्मल दोनों ले लिया। बहुत ही मजेदार वेदर है। सनसेट के बाद टेम्परेचर काफी डाउन हो गया और कल की हमारी डेस्टिनेशन है समिट जो मेरे बैक साइड में दिख रहा है ये वाला। कल मॉर्निंग 3 AM निकलेंगे हम और सनराइज से पहले वहाँ समिट पे पहुँचेंगे ताकि हम सनराइज देख पाए। हुई ना थी ख्वाहिशे हो किसी से भी मिले की ना की थी कोशिशे उलझन मेरी सुलझा दे चाहूं मैं ना। डे 3 डिनर क्या? चपाती, दाल और बैंगन का भरता और गुलाब जामुन की दाल बोलना और गुलाब जामुन की उम्मीद।
एंड होने के बाद गुलाब जामुन, सपने, कल की जलेबी और आज गुलाब जामुन, राइस भी है ना वो खा के हम सुबह सबमिट करेंगे। ये रे भाई भरक भर के आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जवान पर अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चलते हर जवान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। इट इज 2 in the morning मैं भी आती हूँ और हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले ब्रेकफास्ट में दलिया है, ब्लैक टी, दलिया और स्नैक्स हम लेके जाएंगे ऊपर के लिए। चलो भाई गाइस रेडी, ये रेडी, तुम्हारे सिर्फ हेड टॉर्च दिख रही है मुझे। अरे यहाँ पे टेम्परेचर माइनस में तो घास के ऊपर पूरा जो ओ सब जमी हुई है, काफी हार्ड हो रहा है। We completed Kedarkhanta summit. Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! Bharat Mata Ki Jai! ये Kedarkhanta summit है कुत्ता, and this is the 360 degree view. तो गाइस केदारकंठा में आप सभी का स्वागत है, बने रहिए हम लोगों के साथ आगे की चुगली चमाटी के लिए। बादाम खाओ ट्रैक चढ़ो, बादाम खाओ ट्रैक चढ़ो। गाइस आज हम लोग बनाने वाले हैं चुगली चमाटी, एक करारी सी रेसिपी होती है ये, बहुत टेस्टी बनती है गाइस, हर किसी को बहुत पसंद आती है। मैं जब भी चुगली चमाटी बनाता हूँ मेरे सारे दोस्त सुन जाते हैं। कितने लाइट कपड़ों में हो गाइस, केदारकंठ की राखी सावंत बनना है मुझे। जस्ट बिफोर लीविंग द ट्रेल अ फाइनल व्यू, जाहिर करे वो जाहिर नहीं, आकिल हूँ मैं आसिम नहीं।